बिहार के महाराजगंज से बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने रफाल पर सीएजी रिपोर्ट पीएसी के सामने न रखने के विपक्ष के आरोपों को गलत बताया है। जनार्दन सिंह पीएसी के सदस्य भी हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि उन्होंने कैग की रिपोर्ट देखी थी और उसमें कीमत को लेकर भी बातें साफ थी। हालांकि उन बातों को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। मैं इस रिपोर्ट को पूरा मैंने देखा, पीएसी के सदस्य होने के नाते भी ऐसे भी, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से वो गलत तरीके से लोग पहले ही किया था, पहले ही हम लोगों ने देखा था और देख करके बताया था कि जितना तो यूपीए सरकार में जिस तरीका से इसका सौदा हुआ था उससे भी कम में इस सरकार ने उसको लिया, और उसमें भी और कई एक माने टेक्नोलॉजी उसमें बढ़ा करके लिया, टेक्नोलॉजी भी बढ़ाया और उससे राशि भी कम करने का काम किया। उधर बीजेपी सांसद और पीएसी सदस्य गोपाल शेट्टी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रफाल पर अब राहुल गांधी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पीएसी के सदस्य गोपाल शेट्टी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया है, पीएसी के पास कैग की रिपोर्ट नहीं रखी गई है। आप कैग के सदस्य हैं, क्या सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो बातें कही है उसका सम्मान हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के पास दे दो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक आदेश निर्देश दिया है तो उसको सारे लोगों ने मानना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि अभी जेपीसी की डिमांड कर रहे, हम उनको कहते हैं कि आप डिस्कशन करो पार्लियामेंट में, लोगों को पता चले क्या है करके। एक बार पार्लियामेंट में डिस्कशन होने के बाद में फिर पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में जाना चाहिए, तो फिर उसके बाद में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में जाता है। क्या पीएससी के पास रिपोर्ट ये रखी गई, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है? पीएससी के पास रिपोर्ट कैसा था वो भी मैं बताता हूँ आपको। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाने के बाद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लगता है कि इसका और डिटेल में छानबीन होना चाहिए, तो फिर कैग के पास जाता है। कैग के पास जाने के बाद में कैग के लोग इसका छानबीन करते हैं, जो अकाउंट का सब देखते हैं, अनियमितता क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद में फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी उसके बाद में होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोल रहे हैं कि आपने कोर्ट में ये कहा है कि कैग की रिपोर्ट पीएससी के पास आई है, वो तो अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि आई ही नहीं है। तो खड़गे जी सारा डिटेल दे देंगे, वो चेयरमैन है ना, कौन कह रहे हैं नहीं आया? खड़गे कह रहे हैं ना आई नहीं करके, खड़गे जी कह रहे हैं ना नहीं आई करके। मैं भी वही बता रहा हूँ, प्रोसेस होता है पार्लियामेंट में, डिस्कशन पहला होता है पार्लियामेंट को लगेगा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाना चाहिए, तो फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लगता है इसमें कुछ अनियमितता हुई है, तो फिर कैग के लोग उसका छानबीन करते हैं। कैग के लोग छानबीन करने के बाद में लास्ट स्टेज है पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो उसमें अभी तक नहीं आई है रिपोर्ट। कहाँ से आएगा, अब पहला ही चरण हुआ नहीं है। पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के लिए वो डरते हैं इसलिए कि उनको मालूम है कुछ नहीं है इसमें, तो पार्लियामेंट में डिस्कशन करना चाहिए ना।